मेरी बेटी नाया। इसका 2 दिन पहले स्कूल का पहला दिन था। इफाकर में मेरा फैसला है कि हमारी बेटी अपनी मंजिल खुद चुनेगी, अपने फैसले वो खुद लेगी। कहते हैं कि तलाक का रेशियो बहुत बढ़ गया है क्योंकि लड़कियों में बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। सही तो कहते हैं, खत्म हो चुकी है बर्दाश्त। अपनी तालीम की कुर्बानी देने की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। अपने ख्वाबों का गला घोट देने की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। हमने जिल्लत सहने की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। हमें अपनी सेहत को नजरअंदाज करने की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल देने की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। हमें पैदा होते ही हमारी जिंदगी किसी और के हवाले कर दी जाती है। हम तो बस अपनी जिंदगी जीने का हक मांग रहे हैं। इसमें गलत क्या है? आप लोगों को एक बात बताती हूँ। यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान में हर 6 में से 1 लड़की की शादी कम उम्र में होती है। इसका मतलब यह है कि 1,90,00,000 चाइल्ड ब्राइड्स हैं इस मुल्क में, और हकीकत में ये नंबर कहीं ज्यादा होगा। पर कितने बच्चों की मर्जी शामिल होगी इन शादियों में, ये बात हम सब जानते हैं। जबरदस्ती की शादी की इजाजत तो हमारा मजहब भी नहीं देता। एक बात याद दिला दूं मैं आप सबको कि 18 से कम उम्र में शादी करना पाकिस्तान में एक जुर्म है, और बाकी सारी जुर्म की तरह ये बस एक कागज पे ही जुर्म रह गया है। लेकिन हम इस बात को सीरियसली लेना चाहते हैं, इसलिए मैंने, मेरी बड़ी अम्मी और मेरी अम्मा ने एक फैसला लिया है। हम लोगों ने एक होम खोला है जिसका नाम है आयशा हाउस। उस घर के दरवाजे हर उस बच्चे के लिए खुले हैं जिसके ऊपर जिस भी किस्म का जुल्म हुआ है। वो होम उन बच्चों के लिए एक सेफ जगह होगी जहां वो लोग आके रह सकते हैं। हम उन्हें लीगल काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। और मेरी प्रिंसिपल, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था मेरी पढ़ाई में, उन्होंने कहा है कि वो उन बच्चों की पढ़ने की जिम्मेदारी खुद उठाएंगी। ये हमारा अहद है कि इस मुल्क का हर बच्चा और हर बच्ची पढ़े। और अब लड़के पढ़ी लिखी लड़की से घबराएंगे नहीं, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी का एक अनमोल असासा समझेंगे। पर एक बात याद रखिएगा, एक औरत को तालीम देंगे तो उसके पास नस्लें बदलने की ताकत है। वो कौम कभी जाहिल नहीं रहेगी जिसकी औरतें पढ़ी लिखी होंगी। आज से हम सब एक वादा करते हैं, क्या अब बच्चों के हाथों में मेहंदियां नहीं, किताबें होंगी। थैंक यू। Proud of you, Benny. बातें करवा लूँ बस उससे।